हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद एमके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट एवं ऑफिशियल जानकारी आपके लिए लेकर आ गया हूं कि अब तक इस भर्ती में कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, परीक्षा कितनी पारियों में आयोजित होगी, अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो उसको किस प्रकार सुधार सकते हो, उसका जो शुल्क है वो कितने रुपये रहेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल कलर का बटन है उसको दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, देख सकते हो ये आज की न्यूज़पेपर की ये खबर है। दोस्तों, कड़ा इम्तिहान, अंतिम तिथि 10 फरवरी 25 फरवरी तक होंगे संशोधन। कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन में अभी 3 दिन बाकी, 14 लाख आवेदन मिल चुके हैं। पढ़ते हैं पूरी खबर को। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आयोजन को लेकर पुलिस मुख्यालय ने तैयारियां शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि भर्ती परीक्षा मई या जून में होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो संभावित, इन्होंने यहाँ पर जो महीना है वो भी यहाँ पर बता दिया है कि मई या जून में आपका यहाँ पर एग्जाम हो सकता है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय तैयारी में जुट चुका है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी है। शुक्रवार तक 14 लाख आवेदन आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, आंकड़ा ये शुक्रवार तक का आंकड़ा है। शुक्रवार तक 14 लाख यहाँ पर आवेदन आ चुके हैं। अन्य राज्य के आवेदक भी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आवेदन कर रहे हैं। बाहरी राज्यों के आवेदकों को सामान्य वर्ग में माना जा रहा है। जो अदर स्टेट से यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं उनको यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर उनका आवेदन स्वीकार किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आप, आवेदन में किसी तरह की गलती होने पर अभ्यर्थी अंतिम तिथि के बाद 25 फरवरी तक ऑनलाइन ही गलती को सही कर सकते हैं। यहाँ पर जो साफ साफ जानकारी आपको नजर आ रही होगी दोस्तों, कि अगर आपने कोई फॉर्म भरते वक्त कुछ गलती कर दी है अपने नाम में, पिता के नाम में या एड्रेस वगैरह, तो यहाँ पर 25 फरवरी तक आपको समय दिया जाएगा, वहाँ तक आप यहाँ पर इस गलती को सुधार सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपसे निर्धारित शुल्क भी लिया जाएगा, वो रखा है दोस्तों 300 रुपये। 300 रुपये आपको यहाँ पर ऑनलाइन जमा करवाने होंगे, उसके बाद आप जो भी गलती है उसमें संशोधन करवा सकते हो। ये 300 रुपये दोस्तों किसी भी कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलग अलग नहीं रखे गए, सभी के लिए यहाँ पर समान है, चाहे जनरल हो, OBC हो, ST हो, SC, इसके लिए कोई भी वर्ग यहाँ पर निर्धारित नहीं किया गया है। अब दोस्तों, जो आपका एग्जाम है वो कितनी पारियों में होने वाला है वो यहाँ पर देख सकते हो। 14 लाख से ज़्यादा आवेदन आने की स्थिति में पुलिस मुख्यालय 2 पारियों में भर्ती परीक्षा आयोजित करवाएगा। यहाँ पर देख सकते हो साहब, इस बारे में ADG डॉक्टर प्रसागर माथुर का कहना है कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद 25 फरवरी तक आप अपने आवेदन में संशोधन करवा सकते हो। अब दोस्तों, एक से अधिक जिलों से जिनने फॉर्म भरा है उसके लिए भी यहाँ पर जानकारी आई है। वो क्या है देख लेते हैं। एक ही अभ्यर्थी ने एक से अधिक जिलों से किया है आवेदन। भर्ती परीक्षा जिला स्तर पर होगी, ये भी यहाँ पर साफ हो चुका दोस्तों। ऐसे में जिला स्तर पर ही मेरिट बनेगी। गत वर्ष की भांति इस बार भी आपकी जिले जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है वो कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है। गत कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पुलिस मुख्यालय ने ऑफलाइन भर्ती परीक्षा 2 पारियों में करवाई थी, यानी प्रदेश के आधे जिलों में भर्ती परीक्षा सुबह की पारी में हुई थी और आधे जिले में भर्ती परीक्षा शाम की पारी में आयोजित करवाएगी। ऐसे में वे आवेदक जिन्होंने कई जिलों से आवेदन किया था, उन्होंने 2 जिलों में जिनसे सुबह व शाम की पारी में परीक्षा आयोजित की गई थी उनमें दोनों पारियों में शामिल हुए थे। पिछली बार दोस्तों जो 2 पारियों में करवाई थी सुबह और शाम में, तो दोनों पारियों में कई विद्यार्थियों को यहाँ पर शामिल होने का मौका मिला था जिन्होंने एक से अधिक यहाँ पर आवेदन किए थे। लेकिन दोस्तों, इस बार क्या होने वाला है वो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो। इस बार भी दोस्तों जो आवेदक है कई जिलों से आवेदन कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों जो पुलिस मुख्यालय है वो इस बार इस तरह से परीक्षा आयोजित करवाने की तैयारी में है जिसमें एक से ज़्यादा जिलों में आवेदन करने वाले एक ही जगह से परीक्षा दे सके। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो दोस्तों, ये तैयारी चल रही है कि जिन्होंने एक से अधिक जिलों से आवेदन कर दिया है वो केवल एक जिले से ही यहाँ पर आवेदन किया हुआ है तो वहाँ से एग्जाम दे सकते हैं। ऐसी तैयारी यहाँ पर चल रही है। हालांकि दोस्तों अभी तक कोई साफ यहाँ पर डिक्लेयर नहीं आई, लेकिन इसमें बता रखा है कि ऐसी तैयारियाँ अभी चल रही है। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि 5000 पदों पर यह भर्ती हो रही है। इसके लिए क्या सिलेबस वगैरह सारी जानकारी मैंने आपको पहले बता दी है। कितने नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे आपके 2 घंटे में, और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर आधा नंबर का होगा। और NCC वगैरह, डिप्लोमा, होमगार्ड, इनके सबके आपको यहाँ पर जो मार्क्स है वो दिए जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नीचे लाल बटन है उसको दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों चैनल पर आपको एकदम ऑथेंटिक और सटीक जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। और साथ ही में दोस्तों, रात्रि 9 बजे राजस्थान पुलिस पार्ट बी के लिए यहाँ पर फ्री लाइव क्लासें आपको दी जाती है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद।